हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। मराठा साम्राज्य की जब भी चर्चा होती है, लोगों की जुबा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्यता की कहानियां आ ही जाती है। लेकिन क्या आप उस महिला को जानते हैं जिन्होंने पहले शिवाजी को उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, फिर उन्हें एक महान योद्धा बनाया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई की। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की सिर्फ माता ही नहीं बल्कि उनकी मित्र और मार्गदर्शक भी थे, और उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा रहा। इसी के साथ ही उन्होंने जीवन भर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, किंतु धैर्य नहीं खोया और अपने पुत्र शिवाजी को समाज कल्याण के प्रति समर्पित रहने की सीख दी। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 में बुल्ढाणा के जिले सिंधखेत के निकट लखूजी जाधव के बेटी के रूप में हुआ। उनकी माता का नाम महालसाबाई था। वह बहुत कम उम्र की थी जब उनका विवाह शाहजी भोसले के साथ कर दिया गया। जिस समय जीजाबाई की शाहजी राजे के साथ शादी हुई, उस समय शाहजी राजे आदिलशाही सुल्तान की सेना में सैन्य प्रमुख हुआ करते थे। वही शादी के बाद जीजाबाई 8 बच्चों की मां बनी, जिनमें से 6 बेटियां और 2 बेटे थे, और उनमें से ही एक शिवाजी महाराज भी थे। वैसे तो जीजाबाई देखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही बुद्धिमान भी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के जन्म लेते ही उनके पति ने उन्हें त्याग दिया था, क्योंकि असल में वह अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई पर ज्यादा मोहित थे, जिस कारण जीजाबाई से उनका मोह भंग हो गया था। और शिवाजी महाराज के जन्म लेने के बाद से ही वह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही। शिवाजी महाराज को शौर्यता का पाठ पढ़ाते वक्त जीजाबाई का एक किस्सा खासा मशहूर है। उसके तहत जब शिवाजी महाराज एक योद्धा के रूप में आकार ले रहे थे, तब जीजाबाई ने एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें कोंडाना के ऊपर फहराते हुए विदेशी झंडे को किसी भी तरह से उतार फेंकना होगा। वह यही नहीं रुकी, आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कोंडाना के ऊपर भगवान नहीं लहराता, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगी। शिवाजी महाराज ने माँ की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने तानाजी मालुसरे को बुलाया और आक्रमण की तैयारी करने को कहा। बाद में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कोंडाना पर आक्रमण कर दिया और बड़ी जीत भी दर्ज की। जीजाबाई ने इतिहास में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक साबित हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज को प्रेरणादायी कहानियां सुनाकर प्रेरित करती थी। उनसे प्रेरित होकर ही शिवाजी महाराज ने स्वराज्य हासिल करने का निर्णय लिया। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। शिवाजी से महान शासक का निर्माण करने में जीजाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूं तो जीजाबाई के दूसरे बेटे और शिवाजी महाराज के भाई संभाजी महाराज उनके पास नहीं रहते थे, किंतु ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि जब जीजाबाई उनको याद न करे। एक दिन वह अपने संभाजी को याद कर रही थी कि उन्हें पता चला कि संभाजी महाराज कर्नाटक में अफजल खान के साथ युद्ध में गए हुए हैं। माँ का दिल अपने बेटे के फिक्र में धड़क ही रहा था कि उन्हें खबर दी गई कि युद्ध के दौरान संभाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। यह खबर जीजाबाई के लिए बेहद दुखद थी। इसके पहले उन्हें अपने पति के मृत्यु का समाचार मिल ही चुका था। ऐसे में यह उनके जीवन में एक के बाद एक घटी दूसरी बड़ी क्षति थी जिसकी भरपाई संभव नहीं थी। कहते कि इस घटना ने जीजाबाई को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी और 17 जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद उनकी मृत्यु हो गई। माँ के निधन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक पल के लिए भी उनके बताए रास्ते से नहीं हटे और अपना पूरा जीवन अपने लोगों की रक्षा के लिए दिया। निश्चित रूप से अपनी माँ के साथ और नसीहतों से चलते ही छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। धन्य है वह माता जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सुपुत्र को प्रजा का हित करने के लिए सदा प्रेरित किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।